ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैं एजुकेट कर सकूँ इस बारे में। अगर आप अनएजुकेट होके किसी भी दुकान पे जाते हो ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके, जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना 8, तो कई बार ऐसा होता है मेरे पास खरीद के ले आते हैं बंदे, कस्टमर खरीद के ले आता, भाई देखना कैसा चल रहा है इस, तो उसमें मैं देखता हूँ तो हमें अपने मोबाइल की बैटरी कब चेंज करा लेनी चाहिए, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। 8 पॉइंट आपके लिए इकट्ठे किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली इस वीडियो से। आपको सभी 8 पॉइंट जानने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं सेट गर्म होने लगता है उस कंडीशन में भी बैटरी की ज़्यादातर दिक्कतें देखी जाती हैं। देखिए पहले पॉइंट पर तो बताता हूँ आपको सेट का गर्म होना। अगर आपका मोबाइल फ़ोन गर्म होने लगा है ना, लीजिए यूज़ करते करते काफ़ी गर्म हो जाता है फ़ोन, तो सबसे पहला आप उसकी बैटरी चेक कराइएगा, बैटरी से भी हीट होने की प्रॉब्लम आती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, देखिए बैटरी जब हमारी एम्पियर्स ख़राब हो जाते हैं ना, बैटरी के एम्पियर्स डाउन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने 100% चार्ज करी, उसके बाद एकदम से बैटरी गिरने लगेगी, कभी 80 हो जाएगी, कभी 60, उसके बाद 50-55, कुछ भी, मतलब एकदम स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप ना हो, जैसे 99, 98, 97, अगर ऐसे कम होती है तो उसको बोलते हैं बैटरी हेल्थ कम होना, ठीक है। और अगर आपका मतलब 5-5 पॉइंट छोड़ के कम हो रही है, मतलब 100 से एकदम से 80 आ गई, फिर 70 आ गई, या 60 आ गई, 65 आ गई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई बैटरी के एम्पियर्स का डाउन होना, ठीक है। इस कंडीशन में भी आपकी बैटरी ख़राब होती है, आपको चेंज करा लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर 30% फ़ोन में चार्ज रह जाए और उसके बाद सडनली ऑफ हो जाए एकदम से, कि भाई यार अभी 30% तो चार्ज थी, एकदम से ऑफ हो गया, कंडीशन में भी आपकी बैटरी चेंज होगी, बैटरी ख़राब होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर बैटरी आपकी फूल जाए तो, कई बार ऐसा होता है ढक्कन फूलने लगता है पीछे से, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डिस्प्ले आपकी टूटने का रिस्क रहता है। ढक्कन फूलने लगता है तो आप यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, अगर फूला फूला कुछ नज़र आए ना आपको, जैसे कि देखो ये बैटरी है, देखो फूल रखी है ना, गुब्बारा बन के फूल के फटने वाली, तो इस कंडीशन में भी आपको बैटरी चेंज करा लेनी चाहिए। चाहे फिर आपका बैटरी बैकअप सही मिल रहा हो, एकदम ओके मिल रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बैटरी बैकअप बिंदास मिलेगा, 100 से लेके 0 तक है ना, आप पूरे दिन आराम से यूज़ करोगे जैसे पहले यूज़ करते थे, मगर बैटरी फुल रखी है उस कंडीशन में, पता बहुत सारे बंदे कंजूसी कर जाते हैं कि यार बैटरी चल तो सही रही है, थोड़ी सी फुली तो है, उससे क्या मतलब है, नहीं भाई कभी फट भी सकता है। जेब में रखते हैं आप मोबाइल फ़ोन, आप प्यारे व्यूवर्स हो, मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई हादसा हो, ये फट भी सकती है, और जब ये फटती है ना तो आग लगती है भाई बहुत तगड़ी, आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देख भी सकते हैं ऐसे वाले, ठीक है। तो बैटरी आपकी फूलने लगे तो आप बैटरी को चेंज करा लेना बिना झिझक। और इसमें पंचर करने का एक काम आजकल चल रखा है, देखो मैं पंचर करके दिखाऊं, ये आप जब ही करना जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, कहीं आप ऐसी जगह फंस गए हो कि बैटरी मिल नहीं रही है और बैटरी आपकी फूल रखी है, ढक्कन टूटने को रखा है, तो उस कंडीशन में देखिए इस तरफ से कोई सी भी बैटरी हो आपके पास, बैक से मत करना, फ्रंट साइड वैसे ना करो यार, मैं तुम्हें गलत चीज़ नहीं बताऊँ, मैंने पहले भी बता रखा है ऐसी वीडियोस बना के, मेरा दिल नहीं करता आपको बताने का ये काम, क्योंकि इससे आग भी लग जाती है, ये ब्लेड से करते वक्त आग भी लगती है बहुत तेज़ बैटरी में, ठीक है, इससे हादसा भी हो सकता है मेरी। अगर आपने देखनी हो ये वाली वीडियो कि पंचर कैसे करते हैं बैटरी में, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं जाके, ठीक है। वैसे ही उल्टे काम कहलाएंगे, तो ऐसे उल्टे काम मैं करूंगा नहीं। आज मैं आपको बैटरी के बारे में ना कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कि आपकी बैटरी जाने वाली है या ख़राब हो चुकी है, वो पहचानने की आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए हमने ये भी समझ लिया कि बैटरी अगर फूल जाए तो फिर आपको उस कंडीशन में, देखिए ये भी हमने जान लिया कि अगर बैटरी फूल जाए तो इस कंडीशन में भी आपको बैटरी चेंज करा लेनी है। देखिए पांचवा पॉइंट बताता हूँ आपको कि अगर YouTube देखते वक्त या फिर जैसे ही आपने YouTube चलाया और या फिर आपने कोई ऐसी वीडियो, कोई भी वीडियो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले करी, तो उस वीडियो में जैसे ही आवाज़ शुरू होती है यानी आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या स्विच ऑफ हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको बैटरी ही चेंज करानी है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैं एजुकेट कर सकूं इस बारे में। अगर आप अनएजुकेट होके किसी भी दुकान पे जाते हो ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके, जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना 8, अगर इन प्रॉब्लम्स को लेके आप किसी दुकान पे जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लूट लिया जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लूटो, और आपको एजुकेशन देना ही मेरा आज के वीडियो का मोटिव है। तो पाँचवा पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे ही आप कोई वीडियो प्ले करते हैं या फिर यूट्यूब खोलते हैं, तो काफ़ी लोग मेरे पास देखे दुकान पर आते हैं प्रॉब्लम लेके कि भाई यूट्यूब जैसे ऑन कर रहा हूँ रिस्टार्ट हो रहा है, और वाकई मैं जैसे ही कोई वीडियो चलाता हूँ तो फ़ौरन रिस्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में 101% बैटरी की दिक्कत होती है, और कुछ मत कराना, नहीं तो किसी दुकान पे जाओगे ना वो बोलेंगे भाई आईसी खराब हो गई इसकी, इसका ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, शॉर्टिंग है इसके अंदर, तो वो इतना बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे लूट लेगा। तो अगर आपको ये इस चीज़ के बारे में एजुकेशन मिल जाएगी, आपको मतलब इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, तो आप फिर बेवकूफ़ नहीं बनोगे। और छठा पॉइंट,
एक और आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आते ही स्विच ऑफ हो गया या फिर रीस्टार्ट हो गया फ़ोन, या फिर आपने कहीं कॉल मिलाई और कॉल मिलाते ही फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है, फ़ोन बंद होकर अपने आप ऑन होने लगता है। इस कंडीशन में भी 100% आपकी बैटरी की ही प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे बोलते हैं रीस्टार्ट प्रॉब्लम। इस कंडीशन में भी आपकी बैटरी ही चेंज होगी। देखिए, सातवां पॉइंट मैंने रखा आईफोन के लिए, आईफोन कोई भी हो आपके पास किसी भी मॉडल का, अगर उसकी बैटरी हेल्थ सेटिंग में जाइए, जनरल में जाइए और उसके बाद उसकी बैटरी हेल्थ चेक कर लीजिए, अगर 85% से कम है तो आप अपनी फ़ोन की बैटरी चेंज करा सकते हैं। कंपनी वालों का भी यही कहना होता है, एप्पल वालों का 85 से नीचे जाए तो आप चेंज करा सकते हैं कंपनी में जाके, पैसे लेंगे मगर वो भाई उस चीज़ के, ठीक है, फ्री में नहीं करेंगे वो। और अगर आप कोई सेकंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हैं आईफोन वाला, ठीक है, आईफोन का कोई भी मॉडल ले रहे हो तो उसमें बैटरी हेल्थ ज़रूर चेक कर लेना। मैंने एक वीडियो बना रखी है उसमें बैटरी हेल्थ कैसे चेक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है मेरे पास खरीद के ले आते हैं बंदे, कस्टमर खरीद के ले आता है, भाई देखना कैसे चल रहा है इस, तो उसमें मैं देखता तो बैटरी हेल्थ उसकी 70 जा रखी है, 65 पे जा रखी है, 70 पे जा रखी है, और वो बंदा एक महंगे दाम पे खरीद के ले आता है, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है फिर आपका, वो बैटरी कम चलेगी। और जैसे वीडियोज़ वगैरह कुछ उसमें प्ले करेंगे यूट्यूब वगैरह तो और जल्दी बैटरी डाउन होगी, और कैमरा ऑन करते हैं तो भाई साहब बैटरी पूरा पी जाएगा वो। आठवां पॉइंट बताता हूँ इसके रेट के बारे में, काफ़ी बंदे मुझसे रेट कंफर्म करते हैं कमेंट कर करके कि भैया इस मॉडल की क्या पड़ेगी, इस मॉडल की बैटरी क्या पड़ेगी। देखिए 4G के जितने फ़ोन हैं ना अभी तक किसी भी कंपनी का आप मान लीजिए 400 से 500 रुपए के बीच में बैटरी आ जाती है आराम से, ठीक है। आपको दुकान वाले क्या करते हैं, कोई 1000 बताता है, कोई 1500 बताता है, वो मैनिपुलेशन का खेल होता है कि वो कहते हैं कि भैया ओरिजिनल मिलेगी। ओरिजिनल बैटरी दुकानों पे नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती, सर्विस सेंटर में मिलती है बस। ओरिजिनल बैटरी आपको सीधा अगर चाहिए तो सर्विस सेंटर जाओ, और नहीं तो दुकान पे जा रहे हैं तो वो लोकल बैटरी ही डालेगा। 200 रुपये से स्टार्ट होती है बैटरी, और 500 से 600 रुपये तक मान लीजिए आपको बढ़िया से बढ़िया बैटरी मिल जाएगी, कॉपी जिसे बोलते हैं, ओरिजिनल नहीं मिलती। बैटरी देखने में तो सेम लगेगी मगर उस पर ब्रांड का नेम अलग से लिखा होगा, जैसे KPT लिखा है, यहाँ पे MI लिखा होना चाहिए था, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ये MI की बैटरी है और यहाँ ये KPT है, मगर बैटरी सेम है दोनों। रेट की बात हो गई, अब एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर कीपैड वाला फ़ोन कोई परचेज़ करते हैं ना तो उसकी जो बैटरी होती है, जैसे मान लीजिए कीपैड वाला फ़ोन है, ये मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आज का, ये कस्टमर का फ़ोन है आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। न्यू फ़ोन है, न्यू, इसने तकरीबन 10-15 दिन हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, इसने किसी को चलाने के लिए दे दिया, चलाने के लिए भी क्या दे दिया, मतलब ये कह रहा कि कहीं गया था ये रिश्तेदारी में तो वहाँ इसकी बैटरी चेंज कर दी। अब ये मेरे पास ने लेके आया फ़ोन को, देखो इसके अंदर नहीं ये वाली बैटरी थी, ये आईटेल वाली, तो इसने मेरे को दे दिया, उन्होंने कहा भैया देखना सेट ऑन होता है बंद हो जाता है, ऑन होता है बंद हो जाता है, और अभी नया लिया है मैंने, और इसका सर्विस सेंटर कुछ होता नहीं है चाइनीज़ फ़ोनों का, है ना। ये मेरे पास लेके आया है 10-15 दिन इसको खरीदे हुए हुए हैं, और ये लेके आया मेरे पास सेट को कि ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा, तो मैंने जैसे ये ढक्कन खोल के देखा ना तो मैंने कहा भाई ये बैटरी तो इसकी नहीं है, ये फ़ोन तो दूसरा है, वो कह रहा है नहीं नहीं यही बैटरी इसके साथ आई है। अब इस बंदे को पता ही नहीं है कि इसकी बैटरी चेंज कर दी गई। फिर मैंने इसके दिमाग पे जोर डलवाया, भाई याद कर ये फ़ोन कहाँ दिया तूने, ये बैटरी इसकी नहीं है, इसकी बैटरी पे ये लिखा होता है रिचटेक, जो ये नाम लिखा ना यही बैटरी पे लिखा होता है कंपनी के फ़ोन पे। तो मैं कह ये आईटेल की बैटरी है 2930 की, तो अब हमें तो पहचान है इस चीज़ की। तो वो कह रहा भाई कह तो सही रहे हो भाई, तो फिर इसने बताया कि भाई कह तो सही रहे हो, तो कुछ दोस्तों के यहाँ गया था ये, तो वहाँ पे इसका फ़ोन रखा हुआ था, भाई कब से मैं चेंज कर दी तो ये चीज़ पता नहीं चला। तो आपके साथ भी ऐसा हो जाता है भाई, आप कभी कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं ना, साथ भी ऐसा कभी हो सकता है कि आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ, वहाँ पे आप अपनी बैटरी पे ना भाई साइन मार दिया करो, वरना ये नोकिया की जो बैटरी होती है जैसे BL5C वाली, ये सेम होती है, देखो ये BL5C की है, नोकिया के जितने कीपैड वाले फ़ोन होते हैं ना आजकल जितने आ रहे हैं सब में यही बैटरियाँ लगती हैं, BL5C 4C, बस 4C थोड़ी पतली होती है, 5C थोड़ी मोटी होती है, मगर साइज़ सेम होता है, लग सब में जाती है। ये नोकिया वाली है देखो, ये भी लग जाएगी इसमें चाइनीज़ फ़ोन में, लग गई ना, और ऑन भी हो जाएगा, फ़ोन भी चलेगा इससे, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे अपनी बैटरी चेंज कर देते हैं, या कुछ गलती से कर लेते हैं कि डाउन होगी इसलिए उसने दूसरे की बैटरी से रिप्लेस कर ली, हो सकता है, रिश्तेदारियों में अक्सर ऐसा चलता रहता है। तो आप सीधा सिंपल उसका फंडा ये है कि आप उस पर साइन मार लीजिए अपनी बैटरी पर, जैसे नया फ़ोन खरीदो कोई कीपैड वाला, अपनी बैटरी पर साइन मार लो, उससे पहचान हो जाएगी आपको कि वो फ़ोन आपका ही है, मतलब वो बैटरी आपकी है। वो ये पॉइंट मैंने बताने थे आपको बैटरी से रिलेटेड, अगर कोई चीज़ छूट गई ना तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आपके फ़ोन की बैटरी कब खराब होने वाली है और आपको कैसे वो चेंज करानी है, और आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो इसके बारे में बना रखी हैं बैटरी चेंजिंग की, ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।